बुलंदशहर में चचेरे भाई ने अपने भाई की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। कल खुर्जा से आरोपी के घर बसोटी आया था मनोज उर्फ मंटू। सोते समय मनोज पर चचेरे भाई कालू ने फावड़े से हमला कर दिया। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। हत्या आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। हत्या के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पूरा मामला शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित बसोटी गाँव का बताया जा रहा है। घटना का वही मैंने शाम को मैंने अपना भैया से आया और जो ख़त्म है वो कहा है मंटू भैया और मैंने रोटी वोटी खवा के और अपने ताउन के यहाँ जब लाया मैं भैया तू सो जा आधी किलो दूध ले आ भैया को मैं तू गोली खा ली हो गोली खाने के बाद मैंने अपने भैया से आया तू सो जा मैंने बात कही ना भैया तू मेरी मम्मी और खाद डाल ले वहाँ ने मना कर दिया ना भैया मेरी खाद तो यहीं रंग है अब वो जब ना ज़्यादा जबरदस्ती करने लगा तो वो वहीं सो गो रात को 11 बजे करीब मेरे भैया फ़ोन पर बात कर रहे हो जो ख़त्म हो गया है वो आगे बात थे तो मेरे भैया की आवाज़ ही ना आई पता ना काटे मार के कब चला गो। ये थाना शिकारपुर जनपद बुलंदशहर का प्रकरण है। थाना शिकारपुर क्षेत्र अंतर्गत बीती रात मनोज नाम का एक व्यक्ति जो कि बासौटी गांव का रहने वाला है जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है उसकी फावड़े से हत्या उसके चचेरे भाई द्वारा कारित कर दी गई है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।